अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम टमाटे की करी बना रहे, कोकनी डिश है। एक चम्मच इसमें से घी लेंगे और ये देखो ये तड़का लगाएंगे। ये सब करी होने के बाद ये तड़का लगाएंगे। हाँ, इसमें से एक चम्मच घी लेंगे। ये तेल लेंगे दो चम्मच और ये कांदा है, चार कांदे को चॉप करके लिए हैं। हाँ, ये बेसन करी में डालेंगे। ये बेसन लिए, ये बेसन दो चम्मच बेसन है। ये बेसन, ये टमाटर है, 12 टमाटे इसको हम पीस के लिए हैं, काट के पीस के लिए हैं करी बनाने के लिए। ये उसमें बेसन मिला देंगे। और ये मसाला है देखो, ये हरी मिर्ची है, इतना अदरक है, इतनी मिर्ची है, और हल्दी है, जीरा है, और लहसुन है। लहसुन अच्छा लेने का तो टेस्टी टेस्ट आता है। और ये कोथमीर है और ये करी पत्ता है बगाड़ने के लिए। अभी हम मसाला पीस के बता रहे। ये है ना घी में तड़का देने, ऊपर से तड़का देने का है। लहसुन है एक चम्मच, एक चम्मच जीरा है, आधा चम्मच राय है, और ये तीन मिर्ची है, इससे तड़का देंगे। ये मसाला है ये देखो, ये मसाला है, ये मसाला हमने इसमें पीस के रखे हैं। ये देखो अभी हम बगाड़ने के लिए जा रहे, तेल डाल रहे। ये देखो दो चम्मच तेल डाले, गरम हो रहा है तेल। अभी हम इसमें कांदा डाले, ये चार कांदा है। अच्छा कांदा और अच्छा लहसुन रहेगा ना तो ये करी टेस्टी लगती है। अभी इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। ये देखो एक चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार नमक डालो, आपकी मर्जी। अभी ये कांदे को थोड़ा कलर आया ना, ये मसाला भूनेंगे इसमें। देखो कांदे का कलर बदली हो गया। अभी इसमें करी पत्ता ज़्यादा लगता है। ये देखो इतना सारा करी पत्ता डालेंगे, करी पत्ते से टेस्ट अच्छा आता करी को। कोई भी करी आप बनाएंगे, कोकम की है, हाँ दही की है, छाछ की है, इसमें करी पत्ता डालेंगे ना तो करी पत्ता का स्वाद अलग ही जाता है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। अब ये करी पत्ता भुनने के बाद मसाला भुनेंगे और फिर वो टमाटे जो पीस के रखे हैं उसमें बेसन गलाएंगे। आपको दिखाए मसाला पीस के लिए हैं, अभी इसमें डाल दो। अभी इसमें मसाले में अच्छा मसाला इसमें कांदे में करी पत्ते में भुनेंगे। अभी इसमें भुनेंगे, अभी इधर देखो, अभी ये इसमें बेसन डालेंगे। दूसरा बर्तन लेते, ये देखो ये टमाटा पिसा हुआ है, ये बेसन है, ये डालते जाने का और इसको मिक्स करते। पहले पूरी गुटली मिठा देने की, फिर दूसरा टमाटर डालने का। गुटली मिट गई, अभी इसको और फेटेंगे। इसको फेटेंगे और मसाले में मिक्स करेंगे। दो मिनट से मसाला भुनी, देखो कैसा तेल आया, कलर आया अच्छा से। ये देखो अभी ये इसमें डाल के पिलाते जाएंगे। इसमें एक गिलास पानी लगेगा। अभी देखो ये एक गिलास पानी डाले, अभी इसको दो मिनट पकाएंगे। दो मिनट में इसमें उबल आ जाएगा। ये देखो ये घी डाल रहे एक चम्मच। ये देखो करी उबल रही है जब तक दो मिनट, तो इधर हम तड़का बना रहे। देखो तड़का लगा रहे, अभी इसमें पहले लहसुन डालेंगे। लहसुन डालने के बाद लहसुन लाल हो गया ना कि फिर ये जीरा डालेंगे, राय डालेंगे, और लास्ट में मिर्ची डालेंगे और गैस बंद करेंगे। ये लहसुन इतने करने के, देखो कलर कैसा आ गया, जलाने के नहीं, लाल नहीं करने का पूरा। अभी देखो ये जीरा राय डाल रहे, अभी जीरा राय पक गई ना तो उसके अंदर मिर्ची डाल के गैस बंद करेंगे, फिर तड़का दे देंगे। ये देखो करी पक रही है, हाँ देखो कैसी पक रही, कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन टमाटा लेंगे ना वो थोड़ा खट्टा देख के लेना टमाटा। अभी मिर्ची डाल रहे, अभी मिर्ची डाले, तड़का बन गया, हमने गैस बंद कर दिए।
अभी हम उसमें तड़का डालेंगे। ये देखो अभी तड़का लगा रहे हैं, देखो अभी तड़का डाले, अभी इसको और दो मिनट पकाएंगे, फिर सर्व करेंगे। दो मिनट हो गए, अभी हम इसको कोथमीर डाल दिए इसमें। अभी कोथमीर का भी स्वाद अंदर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप ऐसी करी बनाओ टमाटे की और खाओ। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। टमाटे की करी बन के तैयार है। इसको खिचड़ी के साथ, रोटी के साथ खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती। खट्टे टमाटे लेना हाँ, तो खट्टी बनेगी, बहुत अच्छी लगती है। आपको मेरा रेसिपी अच्छी लगी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज़।